सिंह के बारे में तो सुना ही होगा, उसी की तर्ज पर एक और धन कुबेर आ गया है। इसका नाम ब्रजपाल सिंह है। इस पर आयकर की छापेमारी में तमाम सामने आई है। ब्रजपाल सिंह नोएडा प्राधिकरण के सर्किल एक में एक परियोजना अभियंता के पद पर तैनात था। सहायक परियोजना अभियंता ब्रजपाल चौधरी के घर छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। इनकम टैक्स के छापे में अरबों की दौलत मिली। नोएडा से लेकर फरीदाबाद तक बेशुमार प्रॉपर्टी। ब्रजपाल चौधरी के पास हजार करोड़ की प्रॉपर्टी। ब्रजपाल चौधरी का जमीन आवंटन और ठेकों में भी था दखल। नोएडा प्राधिकरण के वर्ग सर्कल एक में सहायक परियोजना अभियंता के पद पर तैनात ब्रजपाल चौधरी के घर आयकर विभाग की टीम पिछले 30 घंटों से लगातार छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग की यह रेड आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। आरोप है कि ब्रजपाल चौधरी ने नोएडा प्राधिकरण में रहते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति, फैक्ट्री और होटल अपने नाम किए हैं। दरअसल बीते गुरुवार को नोएडा प्राधिकरण के सर्किल एक में परियोजना अभियंता के पद पर तैनात ब्रजपाल के सेक्टर 27 स्थित मकान पर इनकम टैक्स की 11 सदस्यीय टीम छापेमारी करने पहुंची और घर के सभी सदस्यों से पूछताछ की। आयकर विभाग की टीम 30 घंटों से लगातार छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग की इस छापेमारी में फरीदाबाद के ठिकाने से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ 15 लाख कैश और 1 किलो सोना बरामद हुआ है। आयकर विभाग की जांच में इस बात का भी पता चला है कि ब्रजपाल चौधरी ने अपनी बेटी के नाम पर 8 करोड़ की कंपनी, सेक्टर 51 में करीब 7 करोड़ की कीमत का प्लाट, सेक्टर 63 में करीब 8 करोड़ कीमत की फैक्ट्री, हापुड़ के पिलखवा में स्कूल में भी इन्वेस्टमेंट जैसा तथ्य उजागर हुए हैं। इस छापेमारी की खबर मीडिया के माध्यम से फैलने के बाद नोएडा प्राधिकरण के सीईओ आलोक टंडन ने एक पत्र जारी कर आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई करते हुए ब्रजपाल चौधरी को निलंबित कर दिया। सूत्रों की माने तो ब्रजपाल चौधरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और कैलाश अस्पताल से डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने जांच करने के बाद उन्हें भर्ती करने की सलाह दी है। लेकिन जो है उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और शुगर भी काफी बढ़ी हुई है। दवाई ले रहे हैं, मैंने दवाई उनको जो है प्रिस्क्राइब कर दी है और साथ ही साथ मैंने हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी एडवाइस की। परिजनों का कहना है कि उनकी हालत ज्यादा खराब है, उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। हॉस्पिटलाइज की जरूरत है, एक हफ्ते पहले भी होते, अभी फिर डॉक्टर ने लिखा है भर्ती होने के लिए, तुरंत भर्ती। फिलहाल आयकर विभाग की इस छापेमारी में हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक नोएडा प्राधिकरण के सहायक परियोजना अभियंता ब्रजपाल चौधरी का नाम भी उन धन कुबेरों में शामिल हो गया है जिन्होंने नोएडा प्राधिकरण को कंगाल बनाया। नोएडा से दानिश की रिपोर्ट। तो सच में ये दूसरा यादव सिंह ही था। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली के ऊंचाहार में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। ये मनगढ़ दर्शन करके आ रहे थे।